नमस्ते गाइस, आज के सत्संग में तुम्हारा स्वागत है। आज हम एक चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में काफ़ी बंदे मुझे मैसेज करते हैं, ठीक है, किसी की गर्लफ्रेंड कैसे चुराएं। और उसी से सिमिलर लाइंस पे मैं बोलूँगा, और भी सवाल आते हैं लोगों के कि लड़की का नंबर कैसे निकालें, ठीक है, वगैरह वगैरह वगैरह। मतलब इन अ वे ट्रिक करने का या गलत तरीके यूज़ करने का रास्ता मांगते हैं मुझसे कि कैसे करें हम। मैं तो सिखा दूं, मेरे को तो पैसे बन जाएंगे मेरे बहुत जल्दी, मेरा तो काम ही यही है। लेकिन खुद ये मैंने किया हुआ है और इसलिए मुझे मालूम है कि अगर मैं तुम लोग को ये सिखाऊंगा तो मैं तुम लोग को लॉन्ग टर्म में ज़्यादा आगे नहीं लेके जा रहा। एनीवे, फर्स्ट ऑफ़ ऑल, जो लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं, वेलकम। ये वीडियो मैं डायरेक्टली फ़ोन से बना के अपलोड कर रहा हूँ, तो एडिट नहीं कर पाऊँगा, तो टाइम नहीं है मेरे पास वो सब करने का अभी। तो डिस्क्रिप्शन में नीचे जो लिंक्स हैं उनको क्लिक करो, अगर आप नए हो हमारी कम्युनिटी में तो नीचे वाले क्लिक्स को क्लिक करो और आप इमिजिएटली चमगादड़ में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। बट एनीवे, मैंने ये सब किया हुआ है, किसी की गर्लफ्रेंड चुराना। मैंने एक बार किसी की गर्लफ्रेंड चुराई थी जिसका खुद सरनेम भी सेम सरनेम था जो मेरा है, कालरा। बहुत फनी चीज़ है। बट एनीवे, मैंने किए हुए ऐसे काम और मैं जानता हूँ कि मैं तुम लोग अगर ये सब सिखाऊंगा तो एक बहुत गलत चीज़ होएगी। और मैं मॉरल्स और एथिक्स की बात नहीं कर रहा, मैं ये बात नहीं कर रहा कि क्या सही है क्या गलत है, मैं ये बात नहीं कर रहा कि चलो किस कोई अपनी गर्लफ्रेंड को बुरी तरह ट्रीट करना चाहता है और तुम उस लड़की से प्यार करते हो, तुम उस लड़की को चुराना चाहते हो, तुम चुराना चाहते हो लेकिन एक अच्छे रीज़न की वजह से। मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारा रीज़न क्या है। और मेरे को जो मेन चीज़ यहाँ पे दिखती है वो एक फ़िलोसॉफिकल बात आ जाती है, और वो फ़िलोसॉफिकल बात ये है कि तुम्हारी ये हालात हुए हुए हैं कि तुम्हें चुराने की कोशिश करनी पड़ रही है, तुम्हें गर्लफ्रेंड चुराना पड़ रहा है, तुम्हें लड़की का नंबर ट्रिक करके निकालना पड़ रहा है तुम्हें। ये अगर तुम सेक्स भी देखो, जो बंदे कभी कभी प्रोस्टिट्यूट्स के पास जाते हैं, शादीशुदा से लेके यंग बंदे या फिर जो भी, तुम्हारा अगर माइंडसेट जो, या जो लोग पैसे नहीं खर्चते, जो अपने देश में ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है क्योंकि इंडिया में पैसे की जो मेंटालिटी है वो इतनी फ्लूइड नहीं है, और इसलिए मेरे को लगता है जो मेरा देश है काफ़ी गरीब रह सकता है अगर हम हमारी माइंडसेट और मेंटालिटी पैसे के साथ चेंज ना हो। बट एनीवे, वो अलग टॉपिक है। अभी के लिए मैं अब तुम लोगों को ये बताऊंगा कि ये मेंटालिटी एक बेसिकली कमी की है, और ये कमी की मेंटालिटी क्या है, इसको हम इंग्लिश में स्केयरसिटी कहते हैं। जब तुम्हें लगता है कि पूरी दुनिया में जो भी अच्छी चीज़ें हैं, जो भी चाहिए चीज़ें तुम्हें चाहिए, वो कमी में है, उनका सप्लाई कम है, जब वो तुम्हारी लाइफ की असलियत बन जाती है, जब तुम उस चीज़ को मानते हो ना और जब तुम उस चीज़ के नज़रिए से दुनिया को देखते हो कि ये भी कम है दुनिया में, ये भी कम है दुनिया में, पैसा भी कम है, क्या कहते हैं, लड़कियां भी कम हैं, तो लड़की पटाना मतलब बहुत मुश्किल बन जाता है तुम्हारे लिए, पैसा कमाना बहुत मुश्किल बन जाता है, लड़की चुराने का सोचना पड़ते हो सोचना पड़ता है तुम्हें, और पैसा भी हो सकता है चुराने का सोचना पड़े। कमी की जो सोच है बहुत गलत है, क्योंकि दुनिया में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। दुनिया में प्यार, सेक्स, पैसा, सक्सेस, हर चीज़ का उतना सप्लाई है जितना तुम उसके डिज़र्विंग बनोगे। बहुत ध्यान से सुनो मेरी बात, पैसा, गर्लफ्रेंड्स, सेक्स, प्यार, जो भी तुम्हारी लाइफ में अभी तुम्हारा गोल है, हो सकता है आज के लाइफ में तुम्हारा गोल हो सेक्स, मेरे लेवल पे तुम्हारा हो सकता है गोल हो जाएगा प्यार, ठीक है, या फिर जो भी, मतलब मैं अगेन जज नहीं कर रहा, सबके अलग अलग लाइफ के अलग अलग स्टेज पे अलग अलग गोल्स होते हैं, लेकिन जो भी तुम्हारा गोल है अगर तुम उसके वर्दी बनोगे तो तुम्हें उसकी कभी कमी नहीं पड़ेगी। और वर्दी तुम दो तरीके से बनते हो, एक तो तुम्हें ये समझना ज़रूरी है कि चीज़ों की कमी नहीं है दुनिया में, हम एक अबंडेंस की दुनिया में रहते हैं, हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ पे आजकल जीना बहुत आसान है। हमारे माँ बाप एक ऐसे टाइम में रहते थे जहाँ पे जीना आसान नहीं था, ठीक है, आजकल जीना बहुत आसान है, आजकल पैसे कमाना बहुत आसान है, आजकल मुंह में रोटी डालना तुम लोग जानते हो मैं क्यों हंस रहा हूँ, क्योंकि मेरे मन में आ गया मुंह में डालने वाले जोक, लेकिन एनीवे मैं बहुत ही शांत मूड में हूँ। मैंने कुछ दिनों से वीडियो नहीं बनाया है क्योंकि मैं मेरे मेरे खुद एक मेंटल ट्रांजिशन हो रहा है, और लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम लोग मिस कर रहे हो मुझे, मैं भी मिस कर रहा हूँ तुम लोग से बात करना, इसलिए इस चीज़ की आदत डाल लो कि हो सकता है मुझे चलते फिरते मोबाइल पे ही वीडियो बना के डायरेक्ट अपलोड करना पड़े,
ठीक है, क्योंकि जब मैं कंप्यूटर ले आता हूँ बीच में तो टाइम लग जाता है। बट एनीवे आज मन किया है बात करने का, जिससे पहले मैं जाके योगा करूँगा, तो मैंने सोचा कि तुम लोग को ये चीज़ बताता हूँ कि कमी का माइंडसेट हटा दो यार। कोई मतलब फ़ायदा नहीं है कमी का माइंडसेट रख के, क्योंकि तुम हमेशा कंपटीशन में खेलते रहोगे, हमेशा तुम विक्टिम वाली मेंटालिटी लगा रहे हो। हमने विक्टिम या विक्टर की बात करी थी, हमने फाइंड अ सोल्यूशन की बात करी थी। फाइंड अ सोल्यूशन, विक्टिम या विक्टर, हर चीज़ और मुश्किल हो जाती है अगर तुम्हें ये लगे कि दुनिया में हर चीज़ की कमी है। क्योंकि जब तुम्हें ये लगता है कि दुनिया में हर चीज़ की कमी है, फाइंड अ सोल्यूशन तुम्हारे लिए मुश्किल क्यों बन जाता है? क्योंकि तुम्हें और रीजंस मिल जाते हैं प्रोक्रेस्टिनेट करने के, और रीजंस मिल जाते हैं अपने आप को बोलने के कि मैं तो हार जाऊंगा। ठीक है, विक्टिम या विक्टर की मेंटालिटी में प्रॉब्लम क्यों पड़ती है? क्योंकि तुम विक्टिम की तरह सोचने लगते हो कि अरे इतना सारा कॉम्पिटिशन है, शरद भाई मुझे हरा देगा, ये मुझे हरा देगा, वो मुझे हरा देगा। तुम्हें ये समझना ज़रूरी है कि आजकल की दुनिया में तुम खुद को ही अगर देख लो, इकोनॉमी का ही अगर एग्जांपल ले लो, आज तुम्हें अगर स्कूटर ख़रीदना है तो कम से कम 10 कंपनियां अवेलेबल है। हमारे माँ बाप के टाइम पे एक ही कंपनी अवेलेबल होती थी, वेस्पा या लैम्ब्रेटा या जो भी, या बजाज आया था फिर, मतलब कमी उस टाइम पे थी। एक स्कूटर लेने के लिए 6 महीने वेट करना पड़ता था शायद बुकिंग करने के बाद, ऐसा ऐसे ऐसे टाइम थे उस टाइम पे। और ये तो बहुत ही मॉडर्न एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। खाने तक की कमी थी, पैसे की कमी थी, हमारा देश काफ़ी प्रॉब्लम में था। अभी हमारा देश प्रॉब्लम में नहीं है, बल्कि अभी हमारा देश दूसरे लोगों को प्रॉब्लम में डाल रहा है क्योंकि हम इतना अच्छा कर रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि हमारा देश और भी आगे जाए, और वो तभी आगे जाएगा जब मैं, फॉर एग्ज़ाम्पल, जो चीज़ें समझ चुका हूँ मैं, जब वो बांट सकूँगा और तुम लोग का भी माइंडसेट बदल सकूँगा, और फिर तुम लोग वो आगे अपने बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपना उनका भी माइंडसेट बदल पाओगे। कमी का माइंडसेट मत रखो, दुनिया में किसी चीज़ की भी कमी नहीं है। आज तुम कपड़े भी अगर ख़रीदते हो तो तुम ऑनलाइन ख़रीद सकते हो, दुकान से ख़रीद सकते हो, मॉल से ख़रीद सकते हो, अलग अलग टाइप के ख़रीद सकते हो। तुम 200 रुपये से लेके 2 लाख की टी शर्ट ख़रीद सकते हो। आज की दुनिया में इतना एंडलेस सप्लाई है कि चाहे तुम्हें धंधा करना हो, पैसे कमाने हो, जॉब करना हो, किसी भी चीज़ में, ऑब्वियसली देर आर वेज, अगर तुम अपने आप को ऐसे पोजिशन करोगे कि तुम्हारा और भी स्पेशल बन जाए पोजिशन, तो हाँ थोड़ा भी कंपटीशन ही रहेगा। लेकिन ओवरऑल आज की दुनिया में बहुत कम कंपटीशन है। अगर तुम जॉब भी कर रहे हो तो हाँ, तुम ऐसी पोजीशन में खुद को डाल रहे हो जहाँ पे थोड़ा बहुत कंपटीशन है, लेकिन ओवरऑल तुम फिर भी काफ़ी लकी हो मैं कहूँगा। क्योंकि आजकल तुम्हारा मनपसंद जॉब तुम ले सकते हो, बहुत सारे जॉब्स अलग अलग टाइप के हैं दुनिया में। एक टाइम था जब मेरे माँ बाप के पास कुछ ऑप्शन ही नहीं था, और उनको वही चीज़ पढ़नी पड़ी थी जो उन्होंने पढ़ी है, और आज शायद वो सब कुछ अलग करेंगे। आज तुम फोटोग्राफी का जॉब करके कमा सकते हो। मतलब कैसे कैसे काम होते हैं यार आजकल, डीजे कितना मज़ेदार काम है ना। बट एनीवे, लड़की गर्लफ्रेंड चुराने की जो बात है ना, मुझे नहीं पसंद। क्योंकि तुम अगर वो गर्लफ्रेंड चुरा भी लोगे, समझ लो मैंने तुम्हें सिखा दिया, ठीक है, गर्लफ्रेंड तुमने चुरा भी ली, चाहे तुम्हारा कारण अच्छा था या बुरा था, गर्लफ्रेंड तुमने चुरा भी ली, लेकिन फिर क्या तुम उस गर्लफ्रेंड को रख पाओगे हमेशा अपने साथ? क्या तुम उसको प्यार दे पाओगे खुल के? और क्या तुम उससे प्यार ले पाओगे? क्या तुम अपने आप को खोल पाओगे उसकी तरफ? क्या तुम, क्योंकि तुम लोग को ये चीज़ नहीं समझ में आती। मैं जानता हूँ तुम में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आज तक सेक्स नहीं किया है, मैं जानता हूँ तुम में से बहुत सारे लोग हैं जिनकी लाइफ में आज तक बहुत कम सेक्स हुआ है, अगर हुआ है तो तुम्हारी अभी नज़रें वहीं पे हैं जो तुम्हारी बायोलॉजिकल डिज़ायर है, वो मैं समझ गया हूँ। लेकिन एक बार जब तुम उसको बहुत ज़्यादा अचीव करने लग जाओगे, तुम्हें पता चलेगा कि उससे आगे भी दुनिया में बहुत कुछ है। और तुम्हें पता चलेगा कि अगर तुम आदमी हो के इस दुनिया में मार रहे हो ना तगड़ी, मतलब तुम अपना काम कर रहे हो, तुम्हें अपना मकसद पता है, तुम्हें अपना पर्पस मालूम है, तुम विक्टिम नहीं बन रहे, विक्टर बन रहे हो, तुम फाइंड अ सोल्यूशन कर रहे हो, तुम वो सब सारी चीज़ें जब करने लगोगे ना, तो एक औरत तुम्हारी लाइफ में जिस तरह एडिशनल क्वालिटी ऑफ लाइफ तुम्हारी जिस तरह बढ़ाएगी, और जिस तरह तुम्हारे लिए एक एसेट बनेगी, तुम जानते भी नहीं हो, वो तुम्हें तब समझ में आएगा। ठीक है, तो एनीवे चलो वो दूर की बात है। अगर तुमने बेसिकली गर्लफ्रेंड चुरा भी ली किसी की, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी वो रिलेशनशिप कभी भी कामयाब नहीं रह पाएगी, क्योंकि वो रिलेशनशिप स्टार्ट ही हुई है एक कमी के माइंडसेट से। तो कमी के माइंडसेट की वजह से स्टार्ट होने से क्या होता है, जब वो लड़की किसी से बात करेगी फ़ोन पे, तुम्हारा कमी का माइंडसेट किक इन करेगा, तुम इनसिक्योर हो जाओगे, जेलस बोलो हो जाओगे कि किससे बात कर रही है, कौन है, फ़ोन पे मत बात किया कर, मुझे बिना बताए वगैरह वगैरह वगैरह, जो बेवकूफ़ काम लड़के करते हैं हमारे दुनिया में। ठीक है, अगर तुम्हें तुम्हारे साथ वो सेक्स नहीं करे, अगर तुम्हारे साथ वो तुम्हें ना टाइम ना स्पेंड कर सके, तो तुम्हारी हर जगह वो कमी का माइंडसेट आएगा, और तुम या तो कंट्रोलिंग, या तो इनसिक्योर, या तो गलत तरीके से डोमिनेंट, या तो गलत तरीके से स्वभाव या बिहेवियर तुम्हारा उसके साथ होगा।
और उसकी वजह से तुमने गर्लफ्रेंड अगर चुरा भी ली, तुम कभी उसके साथ एक खुशी का रिलेशन बना ही नहीं सकते, ठीक है? तो तुम्हें ये चीज़ समझनी ज़रूरी है कि जो भी चीज़ तुम करो, खुली नीयत के साथ करो, और ऐसी नीयत के साथ करो जहाँ पे तुम्हें देने में कभी कमी ना पड़े, क्योंकि अगर तुम देने में कंजूस हो गए तो बाकी की दुनिया भी देने में कंजूस होगी। ये समझना, ये मतलब यूनिवर्सल एक ट्रूथ या यूनिवर्सल एक लॉ है कि अगर तुम्हारी नीयत पूरे टाइम कमी की रही, अगर तुम्हारा माइंडसेट पूरे टाइम स्केयरसिटी करा, तो अगर तुम दुनिया के साथ कंजूस कंजूस खेलोगे, पूरी दुनिया तुम्हारे साथ कंजूस खेलेगी, और तुम्हें कभी भी कुछ भी पेट भर के नहीं मिलने वाला, कभी भी नहीं मिलने वाला। मैं मतलब अपनी ज़िंदगी लगा देता हूँ इस चीज़ के पीछे, कि जो बोलते हैं ना माँ कसम या जो भी, मैं अपनी कसम खाता हूँ इस चीज़ के पीछे, अगर तुम दिल खोल के दुनिया को दे नहीं सकते, चाहे कुछ भी हो, पैसा हो, अगर तुम पैसा कमाते हो पकड़ने के लिए और छुपाने के लिए लोगों से और नहीं खर्चने के लिए, अगर तुम लड़की पटाते हो ताकि तुम्हें उसके ऊपर पूरा कंट्रोल रहे और तुम उसको देख नहीं सकते किसी से बात करते हुए, तब तक ये चीज़ें तुम्हारे साथ भी कंजूस रहेंगी। तुम्हें कभी पूरा पैसा नहीं मिलेगा, कभी पूरा प्यार नहीं मिलेगा, कभी अच्छा सेक्स नहीं मिलेगा, कभी भी तुम्हें चीज़ें अच्छी और अनलिमिटेड नहीं मिलेंगी जब तक तुम, दुनिया, लोग, पैसे के साथ अच्छे और अनलिमिटेड नहीं हो सकते। ये एक इतना गहरा लेसन है। जब से मैं ये चीज़ समझा था, मेरी पूरी लाइफ की मेंटालिटी बदल गई थी, और वही एक मेंटालिटी थी जिसने मुझे अलाउ किया था कि मैं अपनी नौकरी, लाखों की नौकरी, दुनिया में जहाँ जा सकता था, काम के साथ जाना चाहता था जा सकता था, मैं वो सब मैंने एक चुटकी में छोड़ दिया। क्योंकि YouTube पे जब ज़ीरो दिख रहा था ना मुझे सब्सक्राइबर पे, मैं जानता था कि वो ज़ीरो की कमी नहीं है, वो ज़ीरोज़ के सामने इतने सारे और ज़ीरोज़ आएंगे और एक डंडा भी आएगा, क्योंकि मेरा माइंडसेट कभी कमी का नहीं था, कभी कंपटीशन का नहीं था, कभी विक्टिम का नहीं था, फाइंड द सॉल्यूशन का था, विक्टर का था, भाषा बदलने का था। तो यही चीज़ अगर मैं किसी और का यूट्यूब चैनल चुरा के स्टार्ट करूं, या किसी और की गर्लफ्रेंड चुराऊं, तो तुम मुझे बताओ ना कि मैं उसको कामयाबी तक कैसे लाऊंगा, मैं उसको एक खुश नसीब आउटकम कैसे दिलवाऊंगा उस सिचुएशन को, अगर मैं चोरी करके कमी के माइंडसेट से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो एनीवे गाइस, आज के लिए मैं बस चाहता था फॉर श्योर एक वीडियो बाहर डालना, क्योंकि आई नो 3-4 दिन हो गए हैं और मैं चाहता हूँ तुम लोग से जितनी बात कर सकूँ करूँ, क्योंकि सच में बातें करने की कमी नहीं है हमारे पास। मेरे को बस टाइम ढूंढने का प्रॉब्लम होता है, मेरा काम बहुत चल रहे हैं, मेरे घर में अभी बहुत काम चल रहा है, मेरे फैमिली में अभी बहुत कुछ चल रहा है, तो मुश्किल हो जाता है। बट अल्टीमेटली मैं भी अगर माइंडसेट रखूँ कि टाइम की कमी है तो फिर मैं ये नहीं कर पाऊँ, तो आई एम ट्राइंग टू फिट इन एवरीथिंग। मैं सब कुछ मैनेज करने की कोशिश करता हूँ, हर कुछ दिनों में एक इंस्टाग्राम पोस्ट डालने की कोशिश करता हूँ, हर 2 दिन में कम से कम एक वीडियो डालने की कोशिश करता हूँ, अलॉन्ग विद मेरा जो बाकी काम है। और वो सब इसलिए है क्योंकि मैं दुनिया को जितना दे सकता हूँ मैं देना चाहता हूँ जाने के पहले, और जितना मैं दुनिया को दूंगा उससे 10 गुना ज़्यादा दुनिया मुझे वापस देगी, जब वो देखेगी कि मेरी नीयत साफ़ है और मेरा दिल खुला है। और यही चीज़ मैं तुम लोग के लिए चाहता हूँ। आप में से हो सकता है कुछ लोग हों जो बहुत दुखी होंगे, टाइटल देख के तुम्हें लगा होगा मैं अभी तुम्हें मैनुअल या सीक्रेट चीट कोड बताऊंगा कि तुम ये टाइप करो अपने कीबोर्ड में और तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाएगी किसी की चोरी हो के, लेकिन मैं वो नहीं कर सकता। चाहे ही मैं उससे बहुत कुछ कमा लूँ, अगर मेरे पैसे की कमी की मेंटालिटी होती, अभी मैं लोगों से 5-5 हज़ार रुपये लेके सबको एक सल्यूशन दे सकता था, लेकिन क्या फ़ायदा ना उसका। सल्यूशन भी अगर दे रहा हूँ, मैं एक ऐसा सल्यूशन देना चाहता हूँ जो सिर्फ इन द मोमेंट इंसान को हेल्प ना करे। इसलिए जब भी मैं कोचिंग करता हूँ लोगों की, मैं उनकी प्रेजेंट सिचुएशन में सिर्फ कोचिंग नहीं करता, मैं उनकी कोचिंग करता हूँ ताकि वो सल्यूशन जब उनके साथ रहे, शरद काल रहा, उनकी दुनिया से जब चले जाए, ज़िंदगी भर उनको उस कोचिंग से फ़ायदा हो और वो कोचिंग लाइफ के हर एरिया में अप्लाई की जा सके। आप में से जो लोग नए हैं, अगर आपको पता नहीं मैं कौन सी कोचिंग की बात कर रहा हूँ, नीचे जो वेबसाइट के लिंक्स हैं आप उनको चेक कर सकते हो, ठीक है? बाकी चमगादड़ गैंग स्ट्रांग रहो, टी शर्ट्स आ रही है बहुत जल्द, मैं काम कर रहा हूँ उसके ऊपर, ठीक है? फेसबुक का ग्रुप बनाऊंगा और मोस्ट प्रॉब्ली मैं इंग्लिश के लिए एक अलग चैनल बनाने वाला हूँ, क्योंकि ये ऑडियंस हमारी मोस्टली हिंदी की है और मैं हिंदी में यहाँ पे और काम करना चाहता हूँ। अभी काफ़ी मिक्सअप हो गया है इंग्लिश हिंदी, इंग्लिश हिंदी, मैं जानता हूँ आप लोगों को भी कन्फ्यूजन होती है, तो वो सब फ्यूचर के प्लान्स हैं। तुम लोग जानते हो कि मैं तुम लोग को अपने लूप में रखता हूँ। एक और चीज़, मैं तुम सब लोगों को थैंक्स बोलना चाहता हूँ अपने दिल से। क्यों? क्योंकि मैंने अभी तक जो भी प्रोडक्ट रिलेटेड काम किया है, जो भी डील लाया हूँ तुम लोग के लिए, तुम लोग ने उसको बहुत अच्छे तरीके से रिसीव किया है और बहुत सपोर्ट किया है मुझे, और तुम लोग को प्रोडक्ट्स पसंद आए जो मुझे बहुत खुशी देती है, क्योंकि
तुम लोग को ये समझना ज़रूरी है कि हमें भी पैसे कमाने होते हैं, हमें भी पेट भरना होता है, लेकिन पेट भरने के भी सही तरीके होते हैं, गलत तरीके अपनाने नहीं चाहिए। जैसे काफ़ी लोग मैं देखता हूँ जो ऑनलाइन वाली स्पेस में, वो सिर्फ स्टार्टिंग से ही फ्री का सामान लेने के लिए या चीज़ें बेचने के लिए यूट्यूबर बनते हैं या ब्लॉगर बनते हैं, जो भी। मेरा कोई काम नहीं है उन लोगों के ऊपर जजमेंट पास करना, लेकिन मैं बस तुम लोग को थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि मैं तुम लोग को जो भी लाता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल दिल से लाता हूँ, और जब लाता हूँ तो बड़ा मेरे को अच्छा लगता है जब तुम लोग उसको सपोर्ट करते हो। एंड आई विल ट्राई टू कीप ब्रिंगिंग मोर एंड मोर डील्स फॉर यू, ठीक है? बाकी काफ़ी टाइम हो रहा है, आई थिंक तुम लोग बोर हो रहे होगे मेरी शक्ल देख के। सी यू।